गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं शास्त्री सब्जेक्ट टीचर संतू सैनी आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 7th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, कर्मवाची और संख्यावाची विशेषण। जैसे हम संख्या ज्ञान करते हैं वही आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, हम संख्या को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें देखो, 10 से अधिक की जो संख्या होती है ना, वो संस्कृत में लिखने के लिए 1, 2, 3 आदि संस्कृत शब्द होते हैं। वो 10 को 10, फिर 20 को कहेंगे विंशति, फिर 30 को कहेंगे त्रिंशत, फिर 40 को कहेंगे चत्वारिशत, 50 को कहेंगे पंचाशत। इसी तरह हम उस संख्या को हमें लिखेंगे। तो देखो, संस्कृत में संख्या लिखते हैं तो हम उल्टे क्रम से लिखते हैं, है ना। तो पहले तो लिखते हैं, देखो जैसे मान लो ये है 88, ठीक है। तो 88 में तो ये तो है इकाई की संख्या और ये है दहाई की संख्या। ध्यान से देखिए, ये है इकाई और ये है दहाई। तो इकाई यानी क्या है, 8। तो ये तो संख्या है 8, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 80 प्लस 8। वैसे हम बोलते हैं तब तो 80 प्लस 8 88 करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 80 प्लस 8 प्लस 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 80, ठीक है। तो हम देखो अष्ट को क्या लिख, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे अष्ट, अष्ट। और 80 को लिखेंगे हम 80 ही, है ना। तो देखो ये है टे प्लस ए, हो गया, आगे है ही ए, हो गया ना। अभी इन दोनों को मिलाने पर क्या बन गया, आ बन गया ना। इन दोनों के मिलाने पर हो गया आ, हो गया। अब ये आ है, ये किस में जाएगा, ये टे हलंत वर्ण है, व्यंजन है, तो ये हलंत वर्ण है, इसमें स्वर पूरा करेगा तो ये क्या बन जाएगा, टा बन जाएगा। बना कि नहीं बना, ईशानो? यस मैम, बना ना। तो ये बन गया टा। अब यहाँ क्या बन गया, एस, ये हो गया अश, हो गया ना, ये बन गया अष्टा। अब बच गया क्या, सीटी बच गया ना, तो क्या हो गया अष्टा सीटी, क्या हो गया अष्टा सीटी। तो इसी तरह अष्टासीती क्या हो गया, 88 को क्या कहोगे, अष्टासीती। समझ में आया क्या? तो यानी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम पहले इकाई की संख्या लिखेंगे, फिर दहाई की लिखेंगे, फिर सैकड़ा की लिखेंगे। इसी तरह हम उल्टे क्रम में चलेंगे। तो अब आप नोट कीजिए, पहले तो आपको 10 तक की संख्या है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो पहले तो लिखूंगी मैं आपको संस्कृत में संख्यावाची शब्द, है ना। तो ये तो लिखो, एक के लिए
ही हम इस संख्या को लिंग के अनुसार लिखेंगे तो पुल्लिंग में होता है एक है, स्त्रीलिंग में होता है एका, ओके, और नपुंसकलिंग में होता है एकम। क्या होता है? एकम। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. अब आगे देखो, दो की संख्या है, दो को लिखोगे वो द्विवचन में, जैसे राम है रामौ लिखते हैं, रामौ लिखते हैं ना, तो ये दो को क्या कहोगे? दो। एक वचन में एक वचन, द्विवचन बहुवचन ऐसे भी करते हैं ना, तो द्विवचन में कहेंगे दो को हम कहेंगे द्वो, और एक संख्या हो गई द्वे, ठीक है। अब तीन है, तीन को करेंगे पुल्लिंग में करेंगे त्रय, स्त्रीलिंग में करेंगे स्त्रै, और नपुंसकलिंग में क्या करेंगे? त्रीणी। नपुंसकलिंग में लिखेंगे इसको त्रीणी, हल्की तरह। अब आगे है चार की संख्या है, तो चार की संख्या को पुल्लिंग में लिखेंगे चतुवार है, चतुवारा है, स्त्रीलिंग में लिखेंगे चतस्त्र है, और नपुंसकलिंग में लिखेंगे इसको चतुवारी। क्या लिखेंगे? चतुवारी, ओके। अब हम पांच की संख्या को लिखेंगे पंच, इसको ऊपर हेडिंग पंच, स्त्रीलिंग पंच। छह को क्या लिखेंगे? सत्य। सात को क्या लिखेंगे? सप्त। आठ को लिखेंगे अष्ट है। नौ को क्या लिखेंगे? नव है। और दस को लिखेंगे दस। अष्ट को हम अष्टौ भी कह सकते हैं, अष्ट अष्टौ। ठीक है, अब हम संख्या लिखेंगे ग्यारह की। मैम एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है। एकादश है, एकादश है, दो की संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वादश, द्वादश है, द्वादश। तीन की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रयोदश, त्रयोदश। क्या हो जाएगा? त्रयोदश। फिर क्या लिखोगे? चतुर्दश। क्या लिखोगे इसको? चतुर्दश। पंद्रह को लिखोगे पंचदश। सोलह को लिखोगे क्या लिखोगे? षोडश, षोडश। सप्तदश, सप्तदश। इसको क्या लिखोगे? अष्टादश, 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 अष्टादश। उन्नीस को क्या लिखोगे? एकोन विसंती,
एकोनविंशति का मतलब क्या हुआ? मैम 20 में से एक घटाए तो 19 होने में एक कम है, एक कम है 20 होने में। अर्थ क्या निकलेगा? जैसे मैम मैम वो बोर्ड की साइड में 21 से लेकर 30 तक क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ा कैमरा अलग सही जगह करो। एक बार उसके बाद में करूंगी, है ना? कर लिया हमने। मैम अब एक बार है ना, आप इसका एंगल सही कर दो प्लीज, मुझे दिखता नहीं।
दिख रहा है क्या अब तो मैम? दिख रहा है क्या मैम? मैम हो गया मेरा। आगे लिखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, अब त्रिंसठ की संख्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक त्रिंसठ, लिखेंगे चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, या फिर क्या लिखोगे एकोन चत्वारिश हो जाएगा, एकोन चत्वारिश। एकोन चत्वारिश अब आगे की संख्या लिखो, मैम 40 को क्या बोलते हैं? पहले की संख्या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे में द्वा और सॉरी ये हो जाएगा चतुर्विंश, 40 को लिखेंगे चतुर्विंश। ठीक है, अब 40 की संख्या चलेगी, पहले छोटी संख्या लिखेंगे फिर ये बड़ी वाली संख्या 40 की लिखेंगे। तो अब आप बताओ कि कौन सी संख्या लिखें हम, क्या लिखेंगे चतुर्विंश, क्या लिखेंगे बताओ? एक है चतुर्विंश और 42 को दुआ चतुर्विंश है ना, इसी तरह करेंगे। ठीक है, अब लिखो क्या लिखोगे, एक चतुर्विंशत्, एक
क्या लिखेंगे? 43 को क्या लिखेंगे बताओ? 43 को क्या लिखे? 3/4 क्या लिखोगे? 3/4। चतुर चतुरिंशत्। चतुर चतुरिंशत्। पंच चतुरिंशत्। षट चतुरिंशत्। सप्त चत्वारिंशत्। अष्ट चत्वारिंशत्। इसको लिखेंगे नव चत्वारिंशत्। या लिखेंगे एकोन पंचाशत्। एकोन पंचाशत्। और 50 को लिखेंगे पंचाशत्। I have done, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आपको मैंने पिक सेंड कर दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो ब्लैक बोर्ड पे तो आप इस पिक से देखकर आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है? मैम ओके मैम। ओके मैम। और इस संख्या, ये तो यहाँ तक समझ में आ गई है ना? दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? यस मैम। इसी तरह से हम अब 51 की संख्या से आगे तक हम चाहे अब कितनी भी संख्या लिखे, आपको ये लास्ट वाली संख्या ना ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 60 को क्या लिखेंगे मैम? षटादश। क्या लिखेंगे बताओ? 60 की संख्या को षष्ठी क्या लिखेंगे? षष्ठी। षष्ठी लिखेंगे। षष्ठी लिखेंगे ना? षष्ठी यानी क्या होता है? 60। अब एक लिखेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/50, 2/50, 3/50, 4/50, इसी तरह चलेंगे। फिर आ जाएगा एकोन षष्ठी, है ना? 59 को क्या लिखोगे? एकोन षष्ठी। और फिर 60 आ जाएगी, है ना? तो इसी तरह से आपको आगे की संख्या भी इसी तरह से करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारी 50 तक की जो संख्या है वो कंप्लीट हो गई है। आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और साथ साथ में आपको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम।